होटल द क्राउन पैलेस, शादी समारोह का पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। जिस प्रदेश में मासूम बच्चों के अपहरण होने लगे और इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा जाने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए कि अपराधियों और बदमाशों के गिरेवान से पुलिस की पकड़ ढीली होती जा रही। आरोपियों के बुलंद हौसलों की ये दास्तान 1.5 साल के मासूम की मौत पर खत्म हुई। खबर छतरपुर जिले के बमीठा थाने से जुड़ी हुई, जहां 1.5 साल के मासूम को महज 10,000 के लेन देन के लिए बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। बीती 12 जून को थाने के पीछे कुएं से 1.5 साल के मासूम की लाश बरामद, जिसकी शिनाख्त विराज पिता प्रकाश गुप्ता के नाम से हुई। जिस मासूम को बदहवास माँ बाप हर जगह खोज रहे थे, वो जिस हालत में मिला ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की तलाश की, जिसमें धीरू और वीरेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों का मृतक विराज के पिता से बीते दिनों लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि दोनों आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते बदला लेने की नियत से मासूम को मौत के घाट उतार दिया। थाना बमीठा क्षेत्र के रहने वालों ने जानकारी दी कि जो बालक लापता हुआ था, उसकी बॉडी जो है थाने के पीछे वाले कुएं में पौंधी पड़ी हुई है। तत्काल थाना बमीठा के PI और थाना चंदनगर के चौकी प्रभारी मौके पर पहुँचने वाला, वहाँ पर जाकर के हमने देखा और बॉडी को निकलवा कर उसकी शनाख्त कराई, जो कि वो जो बालक लापता हुआ था उसी की थी। उसके बाद बॉडी को उनके घर वालों से पहचान करवा करके उसको PM के लिए अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस ने बारीकी से सारी चीज़ों की जाँच की। अब जब पुलिस ने इसमें जाँच की तो जाँच में बहुत सारे तथ्य सामने आए कि जो घटना जो हुई उसमें करीबन 7:30-8 के बीच में जो लाइट चली गई थी बमीठा क्षेत्र में आधे घंटे में, उसमें जो तथ्य हमारे सामने आए उसमें ऐसा आया कि क्योंकि बच्चा 1.5 साल का था, उसकी जन्मतिथि हमने उनके घर से बुलाई, तो बच्चा 1.5 साल के होने की वजह से वो 3-4 कदम ही चल पाता था और चल के गिर जाता था। तो जहाँ पर जिस जगह पे लगभग यहाँ से 200 मीटर है घर से, 200 मीटर दूर वो कुआं है जहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, तो ये संभव नहीं है कि बच्चा वहाँ पर खुद चल के जा सकता था, पहला संदेह करने की वजह। दूसरा, ये अपना हाईवे क्षेत्र लगता है, बस स्टैंड लगता है, तो इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में बच्चा फ्रीली 200 मीटर मूव नहीं कर सकता। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए खजुराहो से कमलेश चंदपुरिया की रिपोर्ट।